चैप्टर 3 स्टार्ट करा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर बेसिकली है क्या बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट, ग्राफ्स के बारे में बता रखा है। कार्टेशियन सिस्टम होता है, क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम। आप नंबर लाइन के बारे में पढ़ के आए हैं कि नंबर लाइन हमारी कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें ये 0 हो गया, 1 2 3 4 चलता रहता है स्केल से, -1 -2 -3 -4 स्केल पे, स्केल से रिप्रेजेंट कराते हैं। दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंगल लाइन। अब इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन मैं खींच लूँ तो ये बन जाएगी हमारी टू डायमेंशनल लाइन, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल लाइन। अब टू डायमेंशनल के बारे में बता दूं मैं आपको, एक सिंपल पेपर जो होता है, सिंपल पेपर रजिस्टर का एक पेपर जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है। उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, दे आर टू डायमेंशनल, और उनके मेजरमेंट हमेशा कार्टेशियन सिस्टम से होती है। ये होता है कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें हम रिप्रेजेंट कराते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। 2D और 3D, या आप जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में आओगे 11th 12th में, तो आपको एक नई चीज़ मिलेगी थ्री डायमेंशनल के बारे में, क्या होगी 3D के बारे में। मैं 2D और 3D का एक छोटा सा फ़र्क बता के चल रहा हूँ। रूम में बैठे हैं इस समय या बाहर हो? हाँ जी, कहाँ बैठे हो, रूम में हो बाहर हो? रूम में बैठी है तो रूम में बेटा सामने वाली दीवार देख एक बार, वो दीवार में आपको दो चीज़ नज़र आएगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ। सिर्फ एक दीवार को देख, उसमें दो ही चीज़ नज़र आएंगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ। और जब पूरा रूम देखोगे तो उसमें तीन चीज़ें आएंगी, नीचे फर्श काउंट करा आपने, जो फ्लोर है उसमें लेंथ ब्रेथ और एक चीज़ और आ गई, क्या हाइट, क्या आ गई हाइट, वो हो गया 3D। और जब सिंपली एक मैं एक दीवार को देखता हूँ, सिंपली एक फेस को देखता हूँ, या मान लो फर्श फर्श को देखता हूँ, फ्लोर फ्लोर को, तो वो आता है टू डायमेंशन में। क्लियर है, क्लियर है जी? यस सर। तो हमारा जो ग्राफ है वो आवाज कट रही है अब तो अब इसके चार पार्ट होते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कार्टेशियन सिस्टम जो होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ये ओरिजिन हो गया, दिस इज व्हाट ओरिजिन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है जी। ये हो गए क्वाड्रेंट्स। मैं इस पे पॉइंट्स की बात करते हैं, हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट कराते हैं। मैं कहता हूँ 2, 3 पॉइंट रिप्रेजेंट कराओ। ये 2 होगा एक्स का, ये 3 होगा वाई का। एक मिनट दोबारा होल्ड करो। हाँ जी, 2, 3 पॉइंट रिप्रेजेंट कराना, तो 2 होगा एक्स एक्सिस पे और 3 होगा वाई एक्सिस पे। 2 देखो ये रहा 2 और 3 वाई एक्सिस का ये रहा, दोनों जहाँ पे आमने सामने मिलेंगे उनके बिल्कुल सीध में जो ये पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2, 3। ठीक है जी। मान लो मैं कहता हूँ -4, 1 रिप्रेजेंट कराया, तो ये एक्स एक्सिस पे होगा और ये वाई एक्सिस पे। तो एक्स पे -4 लिया और वाई पे 3 लिया, जहाँ दोनों आएंगे वो दोनों रिप्रेजेंट करा देंगे उस पॉइंट को। ये दिस इज द पॉइंट -4, 1।
मैं कहता हूँ 3 5 0, तो एक्स फाइव और वाई कितना है 0, एक्स फाइव यहाँ आया, वाई 0 ये हो गया, तो 5 0 हमारा यही वाला पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज 5 0, 5 0 हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। मान लो 0 -2 कहता हूँ, एक्स 0 और वाई -2, एक्स 0 और वाई -2 ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट होगा 0 -2। तो 0 अगर एक्स एक्सिस का, एक्स का 0 है और वाई का पॉइंट है तो वो वाई एक्सिस पे आएगा, अगर वाई 0 और एक्स का पॉइंट दे रखा तो वो एक्स एक्सिस पे आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई भी पॉइंट होता है, इस पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे इसमें 0 एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें 2 एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें -4 है, इसमें 5 है, इन्हें बोलते हैं हम एब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे 3 -2 बोलता हूँ तो एफ सीसा कितना होगा इसमें? वो होगा 3 और ऑर्डिनेट कितना होगा? -2। गॉट इट? तो एक्सिस होती है हमारी दो, एक होती है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। क्लियर है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, और जहां दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है ओरिजन। ठीक है, ये हमारी चीजें हैं इसके अंदर, कार्टिंग सिस्टम है, इसे नोट करिए और समझिए। ओके, आते जी एक्सरसाइज पे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। पहली तो करनी नहीं है, दूसरी करनी है। ठीक है बेटा, मैंने देख लिया, फ्री ओके करता हूँ एक और बार। पहला क्वेश्चन है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ठीक है, और जो पार्ट हैं, चार पार्ट बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं प्लेन के अंदर? इन्हें प्लेन बोला जाता है। जो चार पार्ट बन रहे हैं कौन कौन से? बड़ा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। दीज आर फोर पार्ट्स। राइट द नेम वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, जिस लाइन पॉइंट पे काटती हैं क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ठीक है, उसका ये ग्राफ देखना है, ग्राफ को देख के आपको पॉइंट बताना है। बी पॉइंट क्या होगा जरा बताओ? पहले एक्स का लिखा जाता है, बाद में वाई का, तो कितना होगा बी पॉइंट? -5, -2। ठीक है, ये हमारा -5, 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, एम पॉइंट कितना है? -3, -5, -3। 0 एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उस पे वाई 0 होता है, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उस पे x 0 होगा। मान लो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कितना होगा मान l? x नहीं, x 0, y 5। ठीक है, ऑलवेज बी रिमेम्बर, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो 0, उस पे y 0 होगा, उस पे y 0 होगा, और y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उस पे x 0 होगा। क्लियर है? नोट करना है इनको, किसी को भी नहीं कर लोगे? चलो जी, थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं, आपको पॉइंट रिप्रेजेंट कराने ग्राफ पे आते हैं, रिप्रेजेंट कराने ग्राफ पे पॉइंट कर लोगे? ये वाला पॉइंट जैसे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कराना, इसको भी,
इसमें ये पॉइंट हो गया हमारा -28, ये आपका -17, ये कितना है 0, -125। तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ये, अगर नहीं है तो प्रॉपरली स्केल पे कर लेना। कर लोगे ये पॉइंट्स? मैं सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सब जने कर लोगे ये ग्राफ पे? ठीक है, ऐड कर फोन। दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इन्हें नोट करिए जल्दी से, फिर मैं इनके क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इनके क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, ये सारे करने हैं, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अपनी तरफ से। ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस निकाल लिए 5-3 की वाई एक्सिस से। हम ग्राफ बनाते हैं बेटा। हाँ वो सारे खुद करेंगे आप, ठीक है। फाइव थ्री कहीं हमारा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा 5, -3। हाँ है ना, ठीक है जी, बताइए मेरे को। हमें वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी, तो मैं सीधा आऊंगा, ये हो जाएगी वाई एक्सिस की डिस्टेंस, कितनी है ये 0 से लेकर कितना ही है 5, तो ये भी कितना होगा 5 होगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस से, इस पॉइंट की वाई एक्सिस डिस्टेंस ये होगी कि दिस इज द डिस्टेंस, कितनी आई है बेटा 5 यूनिट। कोई डाउट? फाइंड डिस्टेंस ऑफ -2, -3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इन क्वेश्चन की, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। ये एक्स है, -x, वाई -1। पॉइंट क्या है बेटा, व्हाट इज द पॉइंट? -2, -3, -2 और -3, ये पॉइंट आएगा। हाँ, डिस्टेंस कहाँ से निकालनी थी हमारे को? ये अब की बार डिस्टेंस किससे निकालनी है? एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ लेके जाएंगे ये लाइन, ये डिस्टेंस होगी हमारी एक्स एक्सिस से, जो रेड कलर की भी मैंने मार्क करी है, ये होगी डिस्टेंस एक्स एक्सिस की। कितनी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, काउंट करो, 3, 0, 1, 2, 3, नेगेटिव साइन काउंट नहीं करते, तो डिस्टेंस कितनी होगी 3 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती, तो इसलिए डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम एक्स एक्सिस जो है वो कितनी होगी 3 यूनिट होगी। कोई डाउट? नो सर।
दो क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, इनको कैसे कर सकते हैं। देखो जी, ग्राफ से करोगे तो इजीली समझ में आएगा, अगर ग्राफ से नहीं करना है, डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन है। जैसे इस वाले में कहा है कि डिस्टेंस निकालनी है आपको एक्स एक्सिस से, जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी होती है तो जो वाई का पॉइंट होता है वही डिस्टेंस हो जाती है। वाई का पॉइंट कितना है हमारा, 5, साइन चेंज कर देंगे, -5 है, डिस्टेंस में नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, तो डिस्टेंस जो हो जाएगी इस वाले में फ्रॉम, कहाँ से बोली बेटा, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए कहते हैं तो ये वाला पॉइंट होता है, कितना है ये 5 यूनिट, डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे। और आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट का वो डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस से, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस इसमें कितनी होगी फ्रॉम वाई एक्सिस, वो होगी 2 यूनिट। कोई डाउट, कोई डाउट, इसको दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन है। जीरो हो गया। हाँ जी, पॉइंट क्या है, 3, -2, x3 है, y -2 है, ये वाला पॉइंट हो गया। कोई डाउट, पॉइंट सही रिप्रेजेंट कराया मैंने बेटा, 3, -2, किसी को कोई डाउट है? हमें इमेज निकालने, किस पे निकालने बेटा, वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है तो इमेज निकालने तो क्या करेंगे हम, इधर जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ, और जितना आप वाई एक्सिस के इधर की तरफ है, कितना इधर है 3 पे, तो उतना ही आप इधर ले आएंगे। कहाँ पे बेटा, मतलब इसको सीध में देखो, x के इधर है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा -3 पे, तो ये अगर a है तो ये इसकी a डैश हो जाएगी, इमेज -3, -2, तो इमेज कितनी होगी -3, -2, ये y एक्सिस पे है, अलोंग y एक्सिस। अगर ये कहता है अलोंग, पहला पार्ट क्या कहता है, अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे निकालने तो एक्स एक्सिस के लिए आप ऐसे जाएंगे, जितना ओरिजिन से नीचे है उतना ही ऊपर, कितना नीचे है 2 पॉइंट नीचे है, -2 मतलब 2 पॉइंट नीचे, तो 2 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे आप, ये आएगा हमारा कितना हो जाएगा 3, 2, जहाँ पे इसको मिलेगा। कोई डाउट, क्लियर है सबको इमेज वाला? तो फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन है, मान लो ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका -2, -3। अगर मैं वाई एक्सिस पे इमेज निकालूंगा तो वाई एक्सिस आपको यहां नजर आ रही है बेटा, तो इसको इधर लेके जाएंगे,
कितना उधर जितना है इधर, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जितना है उतना ही राइट की तरफ चले जाएंगे आपकी बार। तो ये वाला पॉइंट आएगा 2, -3। ये तो है वाई एक्सिस पे इमेज, अगर एक्स एक्सिस पे निकालना है तो ऊपर चले जाएंगे आप, कितना ऊपर जितना नीचे है। तो ये आ गया हमारा -2, -3 इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। ये ए पॉइंट है तो ये ए डैश ले लेता हूँ, ये ए डबल डैश ले लेता हूँ। कोई डाउट किसी को बेटा? नेम द फिगर, उसके बाद ऑल्सो फाइंड एरिया। ठीक है जी, ग्राफ बना रहा हूँ। पॉइंट्स क्या क्या है बेटा? पहला है 0, 0, ये हो गया 0, 0। दूसरा है 0, 5, एक्स 0 है वाई 5, एक्स 0 वाई 5, तो ये वाई एक्सिस पे होगा, दिस इज 0, 5। 3, 5, 3, 5 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना है 3, 0, वो ये वाला पॉइंट हो गया। इससे ए ले लिया, ये हमारा कितना है 0, 5, ये ए, ये बी और ये सी और ये 0, 0, ओ हो गया। क्या बन रहा है बेटा हमारा ये रेक्टेंगल, क्या बन रहा है बेटा? ओ ए बी सी इज व्हाट? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है। एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ है हमारी 0 से लेके 3 तक 3 यूनिट, ब्रेथ है हमारी ये पूरी कितनी है, ये 5, मल्टीप्लाई करा 15 स्क्वायर यूनिट, ऐसे लिख देंगे। कोई डाउट है? डाउट कोई बेटा? नो सर। ठीक है, उसके बाद ये भी है एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी,
पहला है 3 0, कौन सा होगा 3 0 पॉइंट बेटा? ये हो गया 3 0, ए से रिप्रेजेंट करा दिया। दूसरा है 4 5, एक्स 4 वाई 5, ये पॉइंट होगा बी, ले लेता हूँ 4 5, कोई डाउट? और तीसरा है 6 0, वो ये हो जाएगा 6 0, सी पॉइंट ले लिया। तो क्या बन रहा है बेटा हमारा, ये क्या फिगर बन रही है? ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज फॉर्म, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हो जाएगा ये एसी, और हाइट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। हाइट आप बी से निकालोगे, ये होगी हाइट, डी ले लेता हूँ, बी डी, कोई डाउट? कोई डाउट? अब एसी को काउंट कर लेंगे कितना होगा, एसी को काउंट करेंगे, 3 से रखेंगे स्केल 6 तक, कितने पॉइंट है जरा, 3 से लेके 6 तक कितने पॉइंट काउंट होंगे? 4 5 6, 3 पॉइंट काउंट होंगे, क्योंकि 3 को तो 0 मानूंगा, 4 को 1, 5 को 2 और 6 को 3, 3 पॉइंट। और ये जो AD है वो कितना है, इसकी सीध में गया तो कितना आएगा, 5, BD होगा कितना, 5, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट, कोई डाउट? क्लियर है? आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, कौन सा है 3.2, 3.3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, ये होमवर्क है।